के शिक्षा विभाग के शिक्षकों, वरिष्ठ अध्यापकों, प्राचार्यों सहित शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच करके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं जेपीबी स्कूल में एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा अनाधिकृत प्रवेश करने के बाद वीडियोग्राफी करने तथा उसकी खबर को प्रसारित किए जाने के मामले में खबर को गलत तरीके से प्रसारित किए जाने क्या बात कहते हुए कार्रवाई की मांग की गई। क्या कुछ कहा इन शिक्षकों के द्वारा, क्या पूरा घटनाक्रम इनके द्वारा बताया गया, आपको सुनाते हैं। एक लड़का जिसका नाम है चिश्ती करके, वो एकदम से अंदर घुसा और मैं अपने कक्ष में बैठा था तो मेरे परमिशन के बिना उनके एक एक कक्ष में जाना शुरू कर दिया। एक एक कक्ष में सब्जेक्ट वाइज पीरियड्स चल रहे थे, कहीं फिजिक्स का, कहीं मैथ्स का, कहीं ये हो। 3:30 के बीच में हमारे यहाँ पे 5th पीरियड चल रहा था। इस बीच में एक पत्रकार आते हैं, उनका नाम भी नहीं मेरे को मालूम था, शायद कोई इम्तियाज़ चिश्ती करके है, तो वो प्रिंसिपल की परमिशन के बगैर प्रत्येक कक्ष में घुसना प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ हमारे जो टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के पीरियड्स ले रहे थे, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई मैथ्स, कोई इंग्लिश का, ये अंदर घुस के एक तो ये मास्क नहीं लगाए हुए था, कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो उससे हमारे विद्यालय की जो क्लास का जो अनुशासन रहता है वो थोड़ा सा बिगड़ा। और उसके बाद टीचर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, महात्मा गांधी का नाम महात्मा किसने कहा, या मतलब जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सिलेक्शन यानी नौकरी दे रहे हों, ये आए थे वास्तव में, इनने मेरे को सुना, मैंने सुना कि ये आए थे कि वैक्सीनेशन के संबंध में आए थे कि वैक्सीनेशन 100% हुआ या नहीं। वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ लगभग 95% अबव हो गया है, कुछ बच्चे शेष रह गए जिनका हो जाएगा। तो ये जानकारी केवल प्राचार्य से इनको लेना थी, इनको कक्षों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उससे क्या हुआ, पूरे विद्यालय में चूँकि वैक्सीनेशन भी चल रहा था तो वो भी प्रभावित हुआ, हमारी जो टीचिंग चल रही थी वो भी प्रभावित हुई। और एक इंग्लिश के या एक मैथ्स के टीचर से डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन करना, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम अधिकारी होता है जो इस तरह से कल्चरल प्रोग्राम कराता है, उससे ये जानकारी हासिल की जा सकती थी। इस तरह से इनको क्लासों में नहीं घुसना चाहिए था, उससे एक तमाशा बना, टीचर्स का तमाशा बना, टीचर्स बेइज्जत हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सम्माननीय पार्थ पटेल साहब ने आपको जो विस्तृत घटना के संबंध में विवरण दिया है कि कुछ कतिपय पत्रकार बंधु ने हमारे शिक्षकों को जानबूझकर अपमानित करने के दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रश्न पूछे और उसको मीडिया में प्रसारित करके जिस तरह से शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश की है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। चूँकि पूरा शिक्षक समुदाय आपके पत्रकार बंधुओं का और समाज के चौथे स्तंभ का पूरा आदर सम्मान करता है और हमेशा हम सबकी स्कूल शिक्षा विभाग की सारी समस्याओं को, बच्चों की समस्याओं को आप हमेशा समाज के सामने और सरकार के सामने उठाती रहे हैं। इसके लिए संपूर्ण शिक्षा जगत, संपूर्ण मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए ये आशा भी व्यक्त करता है कि कुछ कतिपय पत्रकार लोग संपूर्ण मीडिया जगत को बदनाम ना करें और शिक्षक समुदाय के और मीडिया कर्मियों के जो संबंध हैं वो मधुरता से बढ़ते रहें। इन कतिपय पत्रकारों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में अगर ये प्रक्रिया नहीं रुकती है तो शायद हमें इस मांग पर भी विवश होना पड़ेगा कि शासन के द्वारा नियमों का पालन करते हुए जिला शिक्षाधिकारी या संस्था प्रधान की अनुमति के बगैर किसी भी मीडिया कर्मी को संस्थाओं में प्रवेश न देने दिया जाए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से शिक्षकों का सम्मान बचा रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ज्ञापन लिए जाने के बाद जांच कर अग्रिम कार्रवाई की बात कही गई। शिक्षकों का समूह अभी एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कोई एक पत्रकार है जो उनके विद्यालय में जाकर के कुछ उनसे क्वेरी की गई है, वह ज्ञापन के आधार पर उसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षकों के द्वारा दमोह के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँच करके भी इसी तरह का एक और ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया तथा इस मामले में तत्काल ही संज्ञान लेकर के कार्रवाई की मांग की गई। हम सब यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं प्रतिवेदन देने के लिए। जो घटना हुई हमारे यहाँ के एक्सलेंस स्कूल में और अन्य स्कूलों में भी, पत्रकार महोदय जब गए, एक्चुअली वो गए थे वैक्सीनेशन के लिए, बट उन्होंने जाते ही अचानक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे। एक तो सबसे पहली चीज़, शैक्षिक जो भी कार्य चल रहा था उसमें व्यवधान हुआ,
और वी आर टीचर्स नॉट एनसाइक्लोपीडिया, है ना। हम लोग टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हर एक क्वेश्चन आप एकदम से जाके पूछ लेंगे तो सभी के आंसर्स हम लोग तुरंत ही दे दें। सभी क्वालिफाइड हैं और सभी व्यापम का एग्ज़ाम दे के आए हैं, सब इतने कैपेबल हैं कि उन्हें हमें ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या नहीं हमें पता है। लेकिन फिर भी आकर उन्होंने जो उनका काम था वो तो वैक्सीनेशन का, उसके अलावा भी सब रूम में जाकर टीचर से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिससे कि हम सभी जो शासकीय शिक्षक हैं उनकी छवि पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस हम लोग यही सर के पास आए थे प्रतिवेदन देने के लिए कि आगे से यदि ऐसा कुछ भी होता है, ये इस तरीके के जो उन्होंने शब्द यूज़ करे कि शर्म आनी चाहिए, तो इन सब अब्यूज़ जो भी शब्द हैं उनका यूज़ ना किया जाए और शिक्षक की जो छवि है उसको, क्योंकि हम सभी पढ़ा रहे हैं, रिज़ल्ट हमारा देखिए दमों का रिज़ल्ट हमेशा बहुत अच्छा आता है और जिन स्कूल में वो गए जिन स्कूल्स में वहाँ का रिज़ल्ट हमेशा टॉप का ही रहा है, तो शिक्षक की जो छवि धूमिल हुई है वो ना की जाए। और आगे से यदि ऐसी कोई भी उन्हें आना भी है पूछना भी है तो इस तरीके से आप पूछिए ना जो भी पूछना है नॉर्मली, बट उसके वीडियोस बनाकर आप ऐसे वायरल कर रहे हैं और छवि को धूमिल कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और उसका ही एक हम लोग आवेदन देने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए। हाँ, ये 10 जनवरी को जो मीडिया के द्वारा शिक्षा विभाग और शिक्षकों की छवि धूमिल करने का ये जो नाटकीय तरीके से इन्होंने जो कार्यक्रम रचा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और वो बैठकर भी बात कर सकते थे, अचानक से आए, हमारी शिक्षक की छवियों को धूमिल करने का ही शायद उनका इरादा था। 2 प्रश्न लेके आए, विषय से संबंधित वो प्रश्न नहीं थे। हमारे स्कूल में अपने विषय से संबंधित वरिष्ठ अध्यापक और जो अध्यापक गण हैं वो बच्चों में आप उनकी छवि देखिए, बच्चों से आप पूछिए कि हम क्या पढ़ाते हैं और क्या नहीं पढ़ाते हैं। 2 प्रश्नों के आधार पर किसी का भी मूल्यांकन खासकर मीडिया नहीं कर सकती और ना ही मीडिया को ये अधिकार है। आज हम SP महोदय कलेक्टर महोदय के सामने आए और हमने ज्ञापन दिया कि जिसने भी यह कार्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वही सभी शिक्षकों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच करके जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस विषय में अवगत कराया गया, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया तथा कार्रवाई के लिए आवेदन भी किया गया तथा मांग की गई कि इस तरह के जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, जिसके लिए वे संज्ञान लें। वो अभी अभी हमको जानकारी हुई है, हालांकि ये 3 दिन पहले की ये घटना बता रहे हैं। कोई एक अपरिचित सा इंसान जो विद्यालय स्टाफ से पूर्व से कोई परिचित नहीं था, वो अनवांटेड प्रश्न उस दिन पूछ रहा था। और ये ठीक है, ये मान लिया जाता है कि टीचर्स को सब पता होना चाहिए, पर मस्तिष्क की भी एक सीमा रेखा होती है। 10,000 शब्द से ज़्यादा ये कलेक्ट नहीं करता है और स्मरण के साथ में विस्मृति प्रारंभ हो जाती है। और जिससे पूछा उस समय, तो उस समय उसके ध्यान में नहीं आया होगा। और पूछने की जो ये लोग बता रहे हैं वो तरीका भी उचित और औचित्यपूर्ण नहीं था। ना तो इस प्रकार था कि वो संकेत हो जाए कि ये दिवस पूछ रहे हैं, त्यौहार पूछ रहे हैं, पर्व पूछ रहे हैं, पूछना क्या चाहते हैं, इसलिए वो सॉलिड उत्तर उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और इस पर उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया वो शिक्षकों की मर्यादा के विपरीत है, विद्यालय की मर्यादा के विपरीत है, और जो बच्चों ने देखा वो बड़ा अपमानजनक है। हम इसकी सूचना ऊपर कार्यालय में देंगे। अब युवा पत्रकार जो अपने आप को कह रहा था वो विद्यालय आया और उसने अलग अलग छात्रों से प्रश्न पूछना शुरू किया और बस उसका उद्देश्य ये उत्तर लेना उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य था कि जलील करना या शर्मिंदा महसूस कराना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न पूछे हैं, सर उत्तर देंगे, सब चलता है, आपका अधिकार है, मान लिया। पर उसके बाद जो आपने उसको एडिट करके वीडियो चलाया और उसमें मान लो आपने 5 क्वेश्चन हमसे पूछे, 1 क्वेश्चन हम नहीं बता पाए तो आपने वो 1 क्वेश्चन नहीं दिखाया, वो 1 क्वेश्चन बस दिखाया, 4 क्वेश्चंस को नहीं दिखाया और अलग लीड करके दिखाना, ये थोड़ा सा सबके लिए असहज कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था के लिए बदनाम करने का ये प्रयास है। सभी पत्रकार अच्छा कार्य कर रहे हैं, निवेदन सभी पत्रकारों से भी है कि व्यवस्था के अंतर्गत
अच्छी भावना का प्रचार करें। धन्यवाद।